ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि माना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिनका निर्माण स्वयं पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था, जो लोगों की आस्था व श्रद्धा के प्रतीक, जहाँ पर श्रद्धालु मन्नतें मांगते हैं और वहाँ पर ये मन्नतें पूरी भी होती हैं। ऐसा ही एक मंदिर जिला हमीरपुर के बरसर के ज्योली देवी नामक स्थान पर मौजूद है, जहाँ पर पांडवों ने इस मंदिर का स्वयं निर्माण किया था, जो आज हजारों श्रद्धालुओं की श्रद्धा व आस्था का प्रतीक है। यहाँ आए दिन ज्योली देवी माता मंदिर में श्रद्धालु शीश नवाते हैं। जिला हमीरपुर के बरसर उपमंडल के ज्योली देवी नामक स्थान पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय एक रात में अपने कुल देवी के मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर के नाम से ही इस कस्बे का नाम ज्योली देवी रखा गया। पांडवों ने जिस मूर्ति का निर्माण किया था, आज भी उस मूर्ति को मंदिर में देखा जा सकता है। पांडवों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए पानी की आवश्यकता पड़ी थी, तो उन्होंने ढाई कसी जमीन पर मारकर तालाब का निर्माण किया, जो आज भी मंदिर के साथ देखा जा सकता है। लेकिन पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते अब ये तालाब बदहाली के आंसू बहा रहा है। इस मंदिर में हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाते हैं। हर वर्ष ज्योली देवी में मई माह में मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सरकार को इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। और जो भी आता है वो ज़्यादा से दूर दूर से आता है, दिल्ली से, बम्बई से, सब जगह से आते हैं। यहाँ सर क्या यहाँ पे लोगों द्वारा जो मान्यता मांगी जाती है वो पूरी होती है? यहाँ बस जो भी मान्यता मांगेंगे वो पूरी करती है माता जी। इस मंदिर की मान्यता है, जो हमारे बुजुर्गों के अनुसार यही मान्यता है कि ये पुराने टाइम में महाभारत के टाइम में जब पांडव जो है अज्ञातवास में घूमते हुए यहाँ आए थे, तो रात के समय जो है उन्होंने ये मंदिर बनाया था। कहते हैं कि यहाँ पे ये जो बेलन है, ये गन्ने जो बेलना होता है ना, गन्ने पीटने वाला, तो उसके लिए वो बेलना तैयार कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। बताते हैं कि कहीं नज़दीक गांव में जो है सवेरे 4 बजे का टाइम हो गया और किसी ने लस्सी मथने जो है वो शुरू कर दी, तो वो फिर उसी वक्त काम बंद करके यहां से चले गए। निवासियों की माने तो इस मंदिर के प्रांगण में मौजूद 6000 वर्ष पुराना बेलन भी मौजूद है, जो इस मंदिर के इतिहास को रोचक बनाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 4 पांडवों ने किया, जबकि भीम यहां पर गन्ने की खेती करने के लिए हिमाचल के जिला कुल्लू से गन्ने का बीज लाने के लिए गए थे। यहाँ एक लोकल कहावत भी है, कुल्लू कमांडी ज्योली चंद। भीम ने कुल्लू से गन्ने का बीज लाकर यहाँ मंदिर के साथ बाली जमीन में बीज दिया, जिसमें हर वर्ष गन्ने स्वयं ही उगते रहे। पांडवों ने गन्ने की खेती शुरू करने के पश्चात गन्नों को पीसने या पीड़ने के लिए पांडवों ने बेलन का निर्माण किया, लेकिन किसी बुजुर्ग महिला ने आधी रात को ही लस्सी बनाना शुरू कर दी, जिसकी आवाज सुनकर पांडवों ने इस बेलन का आधा अधूरा निर्माण किया, जो आज भी इस मंदिर में मौजूद है, जो उसमें के इतिहास को दर्शाता है। श्रद्धालु यहां पहुंचकर आज भी इस बेलन की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा ही 6000 वर्ष पहले किसी रात को पांडव आए यहां पे, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। एक ही रात में मंदिर को तैयार कर दिया। उसके बाद मंदिर बनने के बाद उनके मन में भावना हुई कि यहाँ पे बेलना जरूरी है, तो उन्होंने बेलना तैयार किया। तो बेलने की बेलन अभी भी सामने खड़ी है, खड़ी करके रखी है। बाकी भी इसका सामान था, थोड़ा टूट फूट गया है। और उसके बाद उन्होंने ये हमारे गवर्नमेंट का स्कूल है उसके पीछे एक कमांडी का निर्माण भी किया हुआ था। जब वो निर्माण किया उसके बाद समय बचा उनके पास कुछ, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ एक ताल है उसके बीच ढाई चांद लगा के उस ताल को भी बनाया। काफ़ी बड़ा ताल है इस वक्त। जो शिव जी का मंदिर है उसकी मान्यता ये है कि जो बटारली गांव है, बटारली झिकली गांव जो है, वह मान्यता रखता है कि हमारा जो पुश्तैनी एक ज़मीन से अपने आप पानी निकलता है बावड़ी में, उसके ऊपर जो है दलिया और हलवे का गर्मियों के दिनों में जब बारिश नहीं होती है, बरसात की पहली बारिश, तो वहाँ पे दलिया और हलवे का प्रोग्राम करते हैं, ख्वाजा को चढ़ाते हैं और वहीं से पानी ला के जो है शिव जी की पिंडी के ऊपर पानी डालते हैं। अगर वो एक घड़े में भर जाए तो एक दिन में बारिश हो जाती है, दो में भरे तो दो में, मतलब जितने घड़े में भर जाए पिंडी तो उतने दिनों में बारिश हो जाती है।
वहीं स्थानीय निवासियों की माने तो इस मंदिर में मौजूद एक शिवलिंग भी मौजूद है, जिसका निर्माण युधिष्ठिर ने किया था। इस शिवलिंग के साथ एक कुंड भी मौजूद है। माना जाता है कि जब बारिश होनी होती है तो इस कुंड में एक गड़ा डालने से ये भर जाता है, तो बारिश एक दिन में ही हो जाती है। लेकिन जब ये कुंड एक गड़े या अधिक गड़े से न भरे तो माना जाता है कि अभी बारिश होने में समय लगेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मई जून माह में बारिश नहीं होती तो सभी ग्रामीण सामूहिक रूप से पानी के गड़े बटहरली में मौजूद पानी की बावड़ी से भरकर लाते हैं। मंदिर है, इसके बीच जो एक बावड़ी टाइप बना है, शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है, उसके बीच पानी डालते हैं गांव वाले लोग। जब एकदम भर जाए तो 3 घंटे के अंदर बारिश हो जाती है। अगर सब ना भरे तो ऐसा महसूस होता है कि सूखा पड़ने वाला है, पर कभी ऐसा हुआ नहीं। बारिश हो जाती है, इसको भरने से बारिश हो जाती है। गांव वाले सारे मिलके पानी लाते इकट्ठा करके फिर भर देते हैं तो भर जाता है। ये जो सा मंदिर है, ये कुलदेवी का मंदिर है। यहाँ पे जो से गांव वालों के जो कई भी है और ये हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे मान्यता पूरी होती हैं, कुलदेवी है कईयों की, यहाँ पे कुल है, इस करके यहाँ पे इसकी मानता है। और यहाँ पे देवी का मेला भी लगता है कि अपना कुछ भी करते हैं मन की अपना पूरी होती है। हाँ, सरकार इस पर ध्यान दे, ये पांडवों के समय का मंदिर है और हमारे यहाँ पे जो बाबा जी हैं उन्होंने इसका निर्माण करके जो भी अपना मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करा और उसको मतलब बनाया है, इतना साफ स्वच्छ अच्छा बना दिया है। पर आया चाहूँगा गवर्नमेंट और ध्यान दे,